News 18, India. धीरे दिखाऊंगा, मैं हट जाऊंगा फ्रेम से। अब आप देखते रहिए बस, यहाँ पर पूरा भारत आपको नजर आएगा, पूरे भारत की झांकी, मतलब चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र। स्टेडियम देखिए, लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखिए, गुजरात है भाई। शुरुआत गरबे से होगी, जब प्रधानमंत्री का स्वागत गरबे से होगा। यस, गरबे से होगा, गुजरात से होगा। देखिए, प्रधानमंत्री का स्वागत जो है गुजरात, गुजरात के बाद जब आप स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, बहुत बहुत स्वागत है अबूधाबी में जी। अबूधाबी में स्वागत है, आगे बढ़िए। अब आप गुजरात आपने देखा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पीछे देंगे और लगानों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ। आगे लेकर चलेंगे गुजरात, फिर हम आगे बढ़े तो ये महाराष्ट्र। देखिए, पूरे भारत की छवि आज यहां पर नजर आएगी। स्टेडियम जो है वो 65,000 के करीब लोग यहां पर रहेंगे। आपने गुजरात, महाराष्ट्र, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर पधारो सा, पधारो महारे देश, पधारो सा राजस्थान। राजस्थान स्वागत के लिए तैयार प्रधानमंत्री के? एकदम सभी, और पूरे महीने भर से तैयारी चल रही है। महीने भर से तैयारी, एंड हम लोग भारत में विभिन्न विभिन्न प्रांत से हैं, लेकिन यहाँ पे अबूधाबी और दुबई में हम राजस्थान की कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाने के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत की एक अंश है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अंश है, कलरफुल अंश है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, भारत के मतलब भारत की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए, यही खूबसूरत रंग आपको देखने को मिलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अबू धाबी में पूरा भारत और पूरे भारत के रंग नजर आएंगे। काला चश्मा लगाए एक शख्स मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत मजा आ रहा है, क्या वाइब है आप देखिए। बिल्कुल जबरदस्त वाइब है। आगे बढ़ते रहेंगे जब आप, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियां और अलग अलग तरह से यहां पर पूरा भारत, सांस्कृतिक विरासत जिसका प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हर बार बोलते हैं कि भारत और यूएई के बीच एक तरीके का सांस्कृतिक कनेक्शन है, और उसी का जिक्र करती हुई यहाँ पर, ये क्या नाम है आपका? काकोली शेन शर्मा फ्रॉम बंगाल जी, बंगाली। बंगाली तो स्वागत कैसे होगा प्रधानमंत्री का? एकदम रसगुल्ला देके, वी आर वेटिंग फॉर दैट। रसगुल्ला के साथ स्वागत होगा। ललिता मिश्रा फ्रॉम लखनऊ। कैसे स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का? नवाबों के शहर में नवाबों जैसा स्वागत होता है। ये तो बंगाली है, हम सब देशवासी हैं। क्या बात है, देखिए हो गया गुजरात जी। क्या कह रही है? I am लक्ष्मी सुनील जी। तो कितनी एक्साइटेड है आप प्रधानमंत्री के लिए, और उनका स्वागत कैसे होना चाहिए, कैसे हो रहा है? It should be like this. All the cultures and traditions should come together. All the traditions should come together. यही भारत की देखिए सांस्कृतिक ताकत है, यही भारत की एकता है, यही भारत की विविधता है, और यही भारत की एकता विविधता के जो रंग है वो अबू धाबी में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, कुचिपुड़ी, कथक, मतलब पूरा भारत यहाँ पर आपको नजर आएगा। थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो ये देखिए, अब आप दक्षिण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो यकीन मानिए पूरे भारत की झलक उनको देखने को मिलेगी। और अलग अलग रंग है भाई, अलग अलग रंग है। आप रंग देखिए और एक्साइटमेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्वागत की तैयारियां हैं। या यस, वी आर ऑल वेलकमिंग हिम हियर इन अबू धाबी। ओके, यू से हियर इन अबू धाबी। आई से इन अबू धाबी। सो हाउ यू प्लानिंग टू वेलकम मोदी? या वी आर, हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड? वी आर हैविंग अ ट्रेडिशनल डांस हियर इन अबू धाबी from a traditional dance from Chennai, okay. From Tamil Nadu, okay. This is Agaragatham, okay. And Kabaddi Atam also is there at the back side. Oh great, so yeah. From Chennai, from Tamil Nadu, from South, or from, मतलब आप सोचिए महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण तक का सफर हमने तय कर लिया।
ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही है आपकी, मतलब चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे तेलंगाना, चाहे तमिलनाडु, पूरे भारत की छवि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मेरे सहयोगी अमन जो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इस पूरे कार्यक्रम का जो नाम है वो एहलान मोदी, यानी हेलो मोदी रखा गया है। और एहलान मोदी में भारत का पूरा अस्तित्व इस वक्त मेरे सहयोगी अमन के जरिए अबू धाबी की जमीन से आपको नजर भी आ रहा होगा। अमन, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, एहलान मोदी को लेकर जो बातचीत आप कर रहे थे उसमें सभी कह रहे हैं कि महीनों से तैयारी चल रही थी। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही शख्सियत है, यही वो मजबूत शख्सियत है कि जैसे ही भारतीय समुदाय को विदेशों में ये मालूम चलता है कि भारत का प्रधानमंत्री उनकी जमीन पर कदम रखने वाला है, तो ना सिर्फ कार्यक्रम एक आधिकारिक तौर पर आता है बल्कि एक अपनापन, एक अस्तित्व नजर आता है जो एहलान मोदी में नजर भी आ रहा है। और देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा पूरी तरह से आपको अबू धाबी के इस स्टेडियम में नजर आ रही होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और एक बहुत ही विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ये पीएम मोदी की ही शख्सियत का हिस्सा है कि भारतीय समुदाय को इंतजार विदेशी जमीन पर उनका बेसब्री से रहता है, क्योंकि जब भी वो विदेशी जमीन पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ उनका लगाव, उनका अपनापन, वो जुड़ाव हमेशा उन्हें उनकी ओर खींचता है। अभिवादन करते हुए, स्वीकारते हुए हमेशा से पीएम मोदी नजर आए हैं। और देखिए, हर राज्य की आपको वो छाप इस छवि के जरिए नजर आएगी जो भारत के अस्तित्व को एहलान मोदी के जरिए आज इस पूरे स्टेडियम में इतनी खूबसूरती के साथ और प्रभावशाली तरीके से उतारती हुई नजर भी आती है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये तमाम वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं जो आज इन परंपराओं के जरिए, इस नृत्य के जरिए, वेशभूषा के जरिए, ढोल नगाड़ों के जरिए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन का ये पूरा दौरा है जिसमें से अबू धाबी के स्टेडियम में होने वाला ये जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी, जिसकी अब एक सबसे भव्य तस्वीर भी न सिर्फ ये 2 देश देखेंगे बल्कि पूरा विश्व इसकी गूंज यहाँ से सुनेगा। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एहलान मोदी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खास कार्यक्रम जहां पर भव्य कार्यक्रम होगा, तैयारियां इसके लिए पूरी हैं। और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों को दर्शाती वहां प्रदर्शन के लिए ये कलाकार जो हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इनके बीच में होंगे। और कह रहे हैं कि इसके लिए महीने भर से जो तैयारी है वो चल रही थी। तो प्रधानमंत्री 2 दिन के UAE दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की खास बात यह है कि जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि जब मैं UAE आता हूं मुझे परिवार जैसा लगता है। तो परिवार के सूत्र में पिरोने का काम प्रधानमंत्री करते हैं और भारतीय संस्कृति और भारत की जो विरासत है उसे लेकर आगे चलते हैं। और यही वजह है कि आज इस दौरे से न सिर्फ भारत और UAE के रिश्ते मजबूत होंगे, न सिर्फ आर्थिक सेहत पर इसका असर पड़ेगा, न सिर्फ कई साझेदारियां यहां पर होंगी, बल्कि जो लोग वहां रहते हैं, जो भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, वो आज प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कद एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा है। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो अपने बीच उन्हें पाकर बेहद खुश होते हैं और तैयारियां भी इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। अमन हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अमन का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमन, जरा तस्वीरों के जरिए बताते भी चलिए दर्शकों को कि किस तरीके से तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां पर कितनी देर में होने वाला है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो समय बताया गया है वो यहाँ का जो लोकल टाइम है 6:30, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात करें तो 8 बजे के आसपास, ये भारतीय समय अनुसार 8 बजे, यहाँ के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6:30 बजे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 6:30 बजे के करीब जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और भारतीय समय अनुसार 8 बजे के करीब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस भी करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं उन सबको, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पर जय हिंद के पोस्टर लेकर भी पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, यहाँ पर पीएम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा, मोदी 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 मोदी। देखिए इस तरह भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, मोदी 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 जी आ रहे, कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी को। वेलकम टू अबू धाबी मोदी जी, वेलकम टू अबू धाबी। हेलो मोदी जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यू आर गॉड, यू आर माय गॉड। देखिए लोगों की भावनाएं हैं, कुछ लोग यहाँ पर भावुक भी हो रहे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, एहलान मोदी के साथ ये स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और हर कोई इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं पीएम के लिए। मोदी मोदी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, क्योंकि यहाँ पर अलग ही छटा देखने को मिल रही है। आप देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, युवा हैं और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहां पर करता हुआ। कुछ ही घंटों का और इंतजार, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। हम कुछ लोगों से बात भी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झांकियां देखिए आप, मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर केरल, कश्मीर, कन्याकुमारी, हर जगह की छाप और हर जगह की सांस्कृतिक विरासत। और अच्छा, और यहीं पर एक आंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार आप कर रही हैं? Definite. और ये हाथ में फूल कहाँ लेके जा रही है? फूल उसको देखने के लिए जी, मोदी जी को देने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए फूल लेकर जा रही है। लेकिन स्टेडियम में 65,000 के करीब लोग यहाँ पर रहेंगे, 65,000। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ा और उसके बाद बारिश हुई, ये कहा गया कि मौसम खराब हुआ, जिसके बाद